जेके न्यूज स्टूडियो में सभी दर्शकों का स्वागत है। 24 जुलाई 2022 यानी कि रविवार के दिन यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले जी जम्मू में एक दिवसीय दौरे पर हैं। इस दिन करगिल विजय राज दिवस के उपलक्ष पर ये यहाँ पर आ रहे हैं जम्मू में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है उनके आने पर। और तो और आपको ये भी बता दें कि इस मौके पर वो आर्मी के पैरामिलिट्री और जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीदों के परिवारों को सम्मानित करेंगे। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता जी। सर, जेके न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। सर, ये कारगिल विजय दिवस पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और आरएसएस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं होसबोले जी, वो भी आ रहे हैं यहाँ पर जम्मू में, जम्मू के एक दिवसीय दौरे पर। तो क्या सर, इस तैयारियाँ क्या क्या चल रही हैं? देखिए, आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब समाज ने ऐसा सोचा है कि 1947 से लेकर के आज तक भारतवर्ष की तरफ से पड़ोसी मुल्क के साथ, जो कि दुश्मन मुल्क है, जब भी लड़ाइयां हुई हैं और बहुत से जवानों ने जिन्होंने वीरगति प्राप्त की है उनकी शहादत का सम्मान किया जाए, उनके परिवारों का सम्मान किया जाए और इसके निमित्त एक बड़ा कार्यक्रम करगिल विजय दिवस के अवसर पर यहाँ जम्मू में जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हम सब उस समाज का हिस्सा हैं और इस कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह आदरणीय दत्तात्रेय होसबोले जी और भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी एक दिन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि तकरीबन 3000 से ज़्यादा शहीदों के परिवार, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, वो भी इस कार्यक्रम में आएंगे और जम्मू कश्मीर के समाज के द्वारा उन सब को एक जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनको श्रद्धांजलि और उसके साथ साथ जो उनके परिवारजन यहाँ आने वाले हैं उनका सम्मान किया जाए और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाए, ऐसा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। सर, जैसे कि आपने बताया कि यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले जी आ रहे हैं, तो क्या क्या स्केड्यूल रहेंगे, क्या क्या उनके यहाँ आने का प्रोग्राम क्या है? देखिए, हमें तो ये प्रोग्राम 10:30 बजे रविवार को शुरू होने वाला है और तकरीबन 1 से 1.5 बजे तक चलेगा और हमारे नॉलेज में तो उनका यही प्रोग्राम है। उसके अलावा वो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी क्या व्यस्तताएं हैं उसके बारे में हमारा कोई चर्चा करना उचित भी नहीं है और हमारा विषय भी नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय जी वो आ जाएंगे उस दिन सुबह और वो भी उसका अपने कार्यकर्ताओं से आगे पीछे मिल सकते हैं, वो तो सबके लिए अवेलेबल हैं। इस करके वो कार्यक्रम शेड्यूल, यहाँ का कार्यक्रम शेड्यूल यही है कि 10:30 बजे शुरू होकर के 1 बजे सम्पन्न होगा। सर, जैसे कि आपने बताया कि कारगिल विजय दिवस पर के उपलक्ष पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, तो क्या 1947 से लेकर अब तक जो शहीद हैं, चाहे वो आर्मी के हैं या पैरामिलिट्री के हैं या हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, उनकी फैमिलीज को सम्मानित किया जाएगा? बिल्कुल, 1947 से लेकर के अब तक विभिन्न लड़ाइयों में और जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी यहाँ पर रहा है उसमें भी जम्मू कश्मीर पुलिस के या पैरामिलिट्री फोर्सेस के या आर्मी के जो जवान और अधिकारी शहीद हुए हैं उन सब के परिवारों से हमारे साथियों ने संपर्क करने की कोशिश की है और ऐसे तकरीबन 4000 के करीब परिवार हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनके परिवारों से कोई ना कोई 47 से लेकर आज तक शहीद हुआ है। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी आउटरीच बनाई है और हर परिवार के पास पहुँचने की कोशिश की है और अभी तक जो हमें कन्फर्मेशंस आ गई हैं 2500 से 3000 परिवारों की कन्फर्मेशंस आ गई हैं यहाँ पार्टिसिपेट करने की, हम और इंतज़ार कर रहे हैं। जितने परिवार उनके यहाँ आएंगे जम्मू से, कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों से, सबका उसी तरह से आदर सम्मान किया जाए। सर, कारगिल विजय दिवस का उद्देश्य क्या है? देखिए, कारगिल की लड़ाई तो मेरे और आपके सभी के जीवन काल में हमने देखी है 99 में और जिस ढंग से शत्रुओं ने घात लगा करके हमला किया और उसके बाद भारत के जवानों ने, भारत की फोर्सेस ने, जम्मू कश्मीर के हमारे साथियों ने उन घुसपैठियों को खदेड़ा और एक राष्ट्र को अखंड रखने का जो काम किया उसके उस भावना के प्रति हम सब नतमस्तक हैं और इस कार्य के लिए हम
अपनी फोर्सेस के बहुत शुक्रगुजार हैं, तो उनको याद करना, उनकी जो शहादत है, उनका मार्टायर्डम है, उनको याद करना और उनके जो परिवार हैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना, यही उद्देश्य है कार्यक्रम का। सर, जेके न्यूज़ स्टोरी से बात करने के लिए धन्यवाद। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर यानी कि 24 जुलाई 2022 रविवार के दिन यहाँ पर कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष पर डिफेंस मिनिस्टर जो हैं हमारे और साथ में आरएसएस के जनरल चीफ दत्तात्रेय होसबोले जी आ रहे हैं इस उपलक्ष पर। और इस उपलक्ष पर जैसे कि उन्होंने हमें, राजेश गुप्ता जी ने बताया कि यहाँ पर लगभग 4000 फैमिलीज को जो 1947 से लेकर अब तक के जो हमारे शहीद हैं, चाहे वो आर्मी के हैं या पैरामिलिट्री स्टाफ के हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, उनकी फैमिलीज को सम्मानित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पर पुख्ता तैयारियाँ की जा रही हैं इस उपलक्ष पर। मैं कैमरामैन को कहूँगी कि आपको पूरी तरह से पैन करके बताएं कि यहाँ पर क्या क्या तैयारी की जा रही है। गुलशन ग्राउंड में ये प्रोग्राम होने वाला है और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक फोरम्स, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके आने की जोरों शोरों तैयारियाँ की जा रही हैं। जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम है वो भी काफ़ी पुख्ता है, क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आ रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले जी भी यहाँ पर आ रहे हैं इस विजय कारगिल दिवस के उपलक्ष पर। तो विजय कारगिल दिवस के उपलक्ष पर जुड़े रहिए जेके न्यूज़ टुडे के साथ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कैमरामैन सुरजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज़ टुडे, जम्मू।